पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पहुंचे बटाला। बटाला दे सिव आडिटोरियम विच उद्योगपतियां समेत बटाला दे लोकां नाल कीती मीटिंग। MLA बटाला अमन शेर सिंह सेरी समेत जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकां दी पार्टी है अते आप सरकार अते सरकार दे नुमाइंदे भी आम लोकां ने ही चुने हन। इसलिए पंजाब दे लोकां लई जो बजट पेश किया जाना है वह आप सरकार ने फैसला लिया है कि आम लोकां कोलों सुझाव लैके आम लोकां विच जा के सुझाव लैके ही बनाया जाए। उन्हें इस मौके नार साड़न लैके कहा कि इस मसले को लेके भी सरकार कई सुझाव लै रही है ताकि किसानों को कोई नुकसान ना होवे। ये जिम्मेवारी सरकारां दी हुंदी है। पहलियां सरकारां ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। आप दी सरकार इस मसले को हल करने लई जिम्मेवारी बाखूबी निभाएगी अते जल्दी ही कोई फैसला लिया जाएगा। उधर जाओ भाजी आ जाओ पंजाब विच सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने फैसला किया जिहड़ा पहला बजट सरकार पेश करूगी वो जनता का बजट होगा। जनता में जाके लोगों के सुजैशन ले जाएंगे सुझाव ले जाएंगे उस दे तहत अज बटाला आएंगे सवेरे अमृतसर के भी गए सी लगातार पूरे पंजाब जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे सुझाव पंजाब के लोग चाहे वह इंडस्ट्री के ने चाहे व्यापार के ने चाहे फार्मर ने चाहे लेबर वाले ने गे हर वर्ग मुलाजम ने अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। पहली बार हो रहा इतिहासिक तौर पर कि जनता का बजट तैयार हो रहा है। सो मेरी सारी जनता को अपील आ कि अज शाम के 5 बजे बज चुके हैं कि पोर्टल बंद हो चुके हैं पर लेकिन फिर भी तुम कल तक लिखती तौर के उत्ते जाके सुझाव दे सकते हो ताकि असं उन्होंने सुझावों पर गौर करके विचार करके पंजाब की पहला जिहड़ा बजट होगा वो एक अच्छा बजट बना सकी। बटाला के लोगों ने क्या क्या सुझाव दिए बहुत सुझाव दिए ने कि एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स के लिए और अपना इंडस्ट्री के लिए बहुत सुझाव आए ने सारे सुझावों को कंपाइल करके बड़ा अच्छा फैसला जो है बटाला निवासियों के हक में होगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार जी आम आदमी की है तो जो नुमाइंदे ने वो भी आम आदमी के पर जो नुमाइंद की पुलिस प्रशासन नहीं सुनूगा तो फिर आम आदमी कितने जाके फरियाद करेगा। तुहाडे लागे खड़े ने MLA साहब इन्हां दी वीडियो एक वायरल हो रही है DSP बटाला ते SHO सिटी नूं ताड़ना करते दिखाई दे रहे हैं कि मेरी सुनवाई तो मुंशी भी नहीं कर रहा थाने। देखो प्रशासन नूं जिहे प्रशासन के अधिकारियों मेरी बेनती आ कि MLA साहबान जिहड़े सत्कारयोग नेगे और उन्हां दा सत्कार किया जाए और उन्होंने जी गल है क्योंकि लोगों के नुमाइंदे ने गे 3 लाख लोगों ने अपना नुमाइंदा चुनिया गा उस नुमाइंदे को पता गा कि मुश्किलों ने की मुश्किलों ने किमें हल करना गा। सो सारे अधिकारियों ने मेरी बेनती है कि इन्हों की गल सुनी जाए सारे MLA साहबान की जिन्हें भी जनतक प्रतिनिधि ने चाहे किसी होर पार्टी के ने उन सब की गल सुनी जाए ताकि सारे लोगों को इंसाफ मिल सके। जिहड़ा भी कोई व्यक्ति कानून तोड़ूगा जिहड़ा भी कोई अधिकारी कानून तोड़ूगा जिहड़ा भी कोई उलंघना करेगा डिसिप्लिन की उलंघना करेगा उस अधिकारी के खिलाफ सरकार जी सख्त फैसला लेगी। सिद्धू और भगवंत मान की मीटिंग हुई है जी कि खिचड़ी पक रही है कोई खिचड़ी नहीं पक रही। नवजोत सिंह सिद्धू अपने सुझाव देने लिए पहुंचे से जिमें जनता इतने सुझाव देने लिए पहुंच दी है नवजोत सिंह सिद्धू मान साहब को पहुंच के सो उन्होंने सुझाव दते हैं कि सरकार के लिए सर स्टेबल बर्निंग एक बड़ा बड़ा इशू है सर बिल्कुल स्टेबल बर्निंग के लिए बहुत सुझाव आए हैं कि बहुत सुझाव आए हैं मैं तुम दस रहा बड़े अच्छे सुझाव आए हैं कि सारे सुझावों से असं काम कर रहे हैं। स्टबल बर्निंग खत्म करना भी साडा टीचा गा और बहुत सारी इंडस्ट्री जी स्टबल बर्निंग खत्म किमें करना गा किसान राहत किमें देनी है क्योंकि किसान नहीं चाहता किसान कोई भी किसान नहीं चाहता कि पराली में अग लाई जाए। सो वह प्रबंध करने की जिम्मेवारी सरकार की होंगी है पहलियां सरकारों ने जिम्मेवारी अपनी नहीं निभाई असं बिल्कुल 100% दवावे और अगे जो है पंजाब में कोई भी मैं समझता किसान फार्मर जी अपना बटाला शहर सर अनप्लैन डिवेलप होया जी सारे पुराने शहर जे अनप्लानिंग डिवेलप हुए हुए हैं और बड़ी प्लानिंग के जिते भी कितने घाट होंगी वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है।